जितनी एक्साइटमेंट मुझे है, मुझे लगता है बाकी सबके एक्साइटमेंट इक्वली वैसे ही है. इट्स बिकॉज इट्स बीन सच अ नाइस शो. 14 इयर्स बैक इट हैज बीन अ हिट एंड आई एम श्योर वी आर कमिंग आउट कमिंग बैक विद द सेम एक्साइटमेंट विद द सेम बेस्ट रिजल्ट विद एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू गेट ग्लूड विद द शो वंस अगेन. Yeah, I'm playing Sister Philo. She's a very important role where she's been performing last year. Jo show tha usme Daisy ji ne kiya tha. So same role I'm performing this time, Sanjeevani 2 mein. Aur wo character senior most character hai where even Monish ji hai aur Juhi ji aur jitne senior sister doctors hai, they all look upon Nurse Philo. And she has got a saying to it, you know, and that's how her character is very important. Thank you. Anything else? Okay. I beg your pardon. अठारह साल हो चुके हैं ना? कैसे? अच्छा स्टार्ट डेट आप एंड डेट से गिन रहे हो? मैं स्टार्ट डेट से गिन रहा हूँ. नर्वस बहुत है यार. एक्साइटेड तो अब वो नर्वसनेस में एक्साइटमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है. बहुत नर्वसनेस है. एक ऐसे लग रहा है कि भाई आप लोगों के सामने, आपके ज़रिए ऑडियंस के सामने ये पहला दिन है और ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट कर, क्योंकि जो फीडबैक मिल रही है वो ऐसे लग रहा है कि लोगों को, लोग उत्सुक हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो. तो जब ये होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं. और हमारे पहले जिन्होंने किया था, मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है. तो या नर्वसनेस बहुत है. नहीं, किरदार तो वही है, लेकिन एक 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 इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका जो रवैया है, उसकी जो सोच है, वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं, कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं. सो यू विल सी शशांक इन दैट सेम एरिया, बट यू विल सी अ स्लाइटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ शशांक. That's what we have tried. नहीं, उन्होंने यू सी एक फिजिकल चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए, या ग्लव्स ऐसे पहनते ऐसे नहीं, पहले ये पहनते फिर ये पहनते, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है. यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल. हाँ, गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ. यू नो इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग बिकॉज सडनली. सो एंड जो मैं हम कह रहा हूँ कि बाकी जो हैं अपने नमित और सुरभि और बाकी सब, यू नो मेरे लिए ये सब नए हैं, बट दे आर परफॉर्मेंसेज आर राइट अप देयर. इट्स फैसिनेटिंग हाउ केपेबल दे. इट्स फैंटास्टिक एंड इतने प्रोफेशनल. बहुत अच्छी बात है. इट्स अ गुड थिंग. अच्छी बात है. मेरे दोस्त तो इधर है ना, कैमरे इधर है, मैं एक्टर हूँ, मेरा मुंह इस तरफ ही जाते रहेगा. कम दिस साइड.
you know, I told you what happens is that jab wo soundtrack play hota hai na, the title track, then you start ek ek thodi bahut confusion hone lagti thi pehle kuch dinon mein, kyunki itna waqt beet chuka hai. So now ab thoda present pe aa gaye hain, aur khaas karke yahan pe aap sabke samne to totally present pe aa chuke hain. Hawa tight ho chuki hai, dekhte kya hota hai. नहीं, क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा, मुश्किल है. तो कुछ 10-12 साल आगे की बात है ये, और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे. तो दैट्स हाउ वी डू. ओके, थैंक यू, थैंक यू. क्या करूं, हाय गाइस, सब कैसे हैं? सच तो ये है कि मैंने देखा नहीं है, बट मैंने ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज अबाउट संजीवनी. इट्स सच अ बिग ब्रांड टू बी एसोसिएटेड विद, और मेरे लिए और इतनी खूबसूरत रिकॉल वैल्यू है. बच्चा बच्चा जानता है यार, बड़े बड़े भी जानते हैं. मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप संजीवनी कर रही हैं. तो द आइडिया ऑफ डूइंग ऑल्सो संजीवनी वॉज बिकॉज संजीवनी बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड ऐसे एसोसिएट होना इतने बड़े ब्रांड के साथ, आई थिंक ये दिस इज़ माई लक. मैंने कहा ना, मैंने देखा नहीं है, बट ऑफकोर्स एवरीबडी नोज के हमारे सुंदर डॉक्टर जूही थी, वेरी हैंडसम लुकिंग डॉक्टर शशांक थे, मुनीश जी, एवरीबडी. एंड आई हर्ड दैट वो बहुत लंबा चला था और बहुत अच्छा चला था. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है, और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, यू नो, शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत हो तो ये देख नहीं सकती, अगर गलत होता है देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का, कुछ जो नाम यू नो ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई है संजीवनी हॉस्पिटल में, प्रूव करने आई है. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी, सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हों तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स, बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपका चेक करूँ, मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी. बीपी किसका चेक करना बता दीजिए, राकेश का. राकेश जी, आपका बीपी चेक करते हैं.
हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ, मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरी मम्मी आ जाएँ और बहुत पापा भी आए, बहुत खुश होंगे, देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टी वी में ही डॉक्टर बन ली। सो आई थिंक दे गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड। पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे। शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए, बोली कैसी लग रही हूँ मैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर। आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल। मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि जो पिछला शो कर रही थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी, टिपिकल तो खैर नहीं थी बट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है शानी का, बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है। बाय द वे ये शानी का लुक है, दिस इज नॉट सुरभि चांदना, दिस इज शानी, सो शी इज अ वेरी स्टाइलिश स्टाइलिश डॉक्टर। एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के, सो दैट्स द आइडिया। मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ, घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है, तो जो जो टर्म्स हैं बाटनोलिसिस, EPI दो, सलाइन चढ़ाओ और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है। हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत ही हिस्सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं वो, यू नो डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है मेडिकल फील्ड की, सो आई थिंक यू नो थिंग्स आर वेरी इजी। सिद्धार्थ मेड मी वेरी वेरी कम्फर्टेबल, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ऑफ कोर्स, एंड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ बिग नेम इज़ ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। प्रेशर है, काफ़ी है, इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं। आप लोग भी देखिएगा, मुझे बताइएगा। आई एम क्वाइट नर्वस वेरी ऑनेस्टली, एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है, बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है लेकिन उसकी उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है, इन द सेंसेस पैसे इधर की उधर करेगा लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है। बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो, सो वो एक प्रॉब्लम है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है। हाउ नाइस, बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, महेश सर सो गुड टू सी यू, मैं कुछ भी करती हूँ उनके फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एंड आई टेक इट वेरी यू नो वेरी सीरियसली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यू नो ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं जो शायद मैं आपके साथ हूँगी, मम्मी पापा के साथ हूँगी, मेरा उनके साथ वैसा है, तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देयर इज़ इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू, थैंक यू।
Hello. I love the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविज़न को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों और जो वेब को फाइट कर सकें. एंड आई वॉज टेलिंग सिद्धार्थ सर ऑल्सो दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज टी वी नीड्स टू फाइट बैक विद ग्रेट शोज एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट शो दैट्स कम बैक ऑन टी वी. I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season, main sach bata raha hu, because I think I was also pretty young that time. But all I know is, jo maine iska promo dekha tha, I think it's so, mane usme quality mein itni, there's such a brightness in it, it's got nice colors, the actors are good. Monish Behl ko to dekhke hi maine kaha, like, show is going to be fantastic, because you've got such a good actor on board. So I think it's amazing and I hope jitne logo ko Sanjeevani 1 acha laga tha, they're going to love this even more and the new audiences get to see it. Today's screening, I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surbhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. Jo bhi show karti hai, it does very well. Haan, sunne mein aaya, bhai. Dekhiye, bhai, I've been a part of YHM aur ye hai mohabbatein. I think, honestly, it's been in the last 5 years India's biggest path-breaking show. I was the second lead. I did it for 3 years. उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है, I don't know कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे diplomatically correct होना चाहिए. I think for the first 3 years, उन्होंने एक story बहुत strongly follow की थी. उस show की गड़बड़ हुई जब channel ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कर दीजिए. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम एक्टर्स डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू गो? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर टू गिव द शो. आई थिंक मंडे टू थर्सडे इज़ फाइन, मंडे टू फ्राइडे can't do a Monday to Sunday every week for 2 years. It becomes, and if it's going off air, I'm very proud because I think India mein pehli baar ek educated show aaya tha based on a book, and we were all a part of it. Kisi ne socha nahi tha that show will be so successful. It will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one, oh, that one, sorry, you're asking me questions, come this side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. Hum log office jaate the, ties pehante the. The lines were very good and it dealt with children. I want to do the next show as playing a young father. Anybody casting, let me know. Yaar, ye mujhe ek minute sunne mein aaya, Karan Patel is not in the show. So how is YHM? YHM then? Patel aur Divyanka के बिना आई डोंट नो, बट वेल आई गेस देन इट्स द फैग एंड ऑफ द शो एंड वी हैव टू गेस इट गुड बाय. पटेल खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस में भी आ जाएगा, बट दैट इज डिफरेंट. बट आई एक्चुअली ही इज लेफ्ट द शो, ही इज ऑफ, आई हैवंट वॉच्ड YHM इन 2 इयर्स. या दैट्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रेंज. आई मीन हाउ कैन पटेल लीव द शो? बट एनी वे, ये देखो एक और स्टार प्लस किया है. आई लीव इट ऑन टू हिम. एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव. अच्छा जी, संजीवनी 2 का मैंने नया प्रोमो देखा और हर बार की तरह ऑफकोर्स पिछली बार भी शो सुपरहिट था और इस बार भी डेफिनेटली जो लुक है, जो प्रोमो है, जो फील है, शो डेफिनेटली सुपरहिट होगा. जी एक मिनट, सुना नहीं था.
सुनाई नहीं दिया, बोलिए। देखिए, फेवरेट कैरेक्टर की बात हो तो ऑफ कोर्स डॉक्टर शशांक, और मैं पहले भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो। तो आज भी मैं मोनीश सर को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड इज़ बैक। बेस्ट विशेज़ तो एक ही तरह की होती हैं, वो क्या पता नहीं क्या होती हैं, पर मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर्स का साल है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्ले करता हूँ। मुझे ये गुड लक मिला है कि मैं अपने शो पे भी एक सर्जन प्ले कर सकूँ, और अब डॉक्टर्स को लेके एक पूरा शो आ रहा है। तो यस, इट्स अ ईयर ऑफ डॉक्टर्स, इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल अवेयरनेस। जी, मैंने पेशेंस सीखा है, और मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी है डॉक्टर्स को ऑब्जर्व करके। जितना भी मैंने अपने रोल के लिए ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपका इमोशन कोई भी हो, आपको जो काम करना है वो न्यूट्रली, कामली और अनबायस्डली करना है। जी, सुरभि और नमित ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ, पर आई डोंट थिंक सुरभि और नमित को कोई भी सजेशन की ज़रूरत है। वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, एंड दे हैव माई बेस्ट विशेज। यस, अटैक करो। या मैं एक्चुअली चेंजेस देखना नहीं चाहूँगा। आई वुड रियली लाइक दैट ओल्ड प्रोग्रामिंग अबाउट टेलिंग अ स्टोरी इन अ सर्टन वे, एंड आई एम होपिंग दैट द होल ओल्ड स्कूल नॉस्टैल्जिया नहीं होता जो बड़ा अच्छा सा लगता है, तो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वापस आएगी तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो बड़ा बहुत ही बायस्ड होने वाला हूँ, लेकिन हो नहीं सकूँगा बिकॉज मुझे गुरदीप भी बहुत पसंद है। I really like Gurdeep and I like Ishani and Surbhi. So I'm just going to say that sari ladkiyan aurte bahut achhi hain is show pe, to main to sabke liye aisa cheer up kar raha hoon. Nahi, wo bahut kaam mein busy thi, wo mil bhi nahi pa rahi abhi kisi se. Absolutely not. Meri taraf se ye best wishes hone wale hain, because they are trying to break a new format again, and hamare na in India as a country we like to follow mediocrity. Ek cheez chal jati hai, uske ke bahut sare versions aa jate hain. To bring back something and tell a story differently, ab agar uska look dekhoge wo bahut hi experimental look hai, aur kisi bhi heroine ko na aise experiment look karne mein bahut dar lagta hai, usko lagta hai kahin show nahi chale, kahin audience ko pasand na aaye. To be convinced and to get people to follow her is going to be something that we are all going to be very very proud of. ये देखिए, ये भी आ गए बिग बॉस में वापस, दिस इज बिग बॉस कमिंग बैक अगेन। थैंक यू करण कुंद्रा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा, मार के वापस आ जाएगा किसी को। आ रहा हूँ मैं, यहाँ मेरा प्रोमो हिट हो जाएगा एक दो दिन में, तो पता चल जाएगा आप लोगों को। वापस आ रहा हूँ, क्या पता क्या है, मेरे फैंस को ऑलरेडी मालूम है। MGV is of space and we are back. देखो, एस ऑफ स्पेस आया था दिसंबर में, ख़त्म हुआ था, वो बोल रहे हैं मार्च में वापस ले आओ, अप्रैल में मार्च, फिर एक साल का गैप लेते हैं लोग। लाइक आई हैड थॉट अबाउट थिंग, आई एम सो ग्लैड द शो वॉज लव्ड सो वेल दैट दे वॉन्टेड टू ब्रिंग द सीजन इमीजिएटली, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट हैव द डेट्स एंड आई डिडंट रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन द शो, because you know it's an extremely difficult show to do, not just for the contestants but for someone who's living with them for 18 hours every day, and I love each and every one of the kids. If you realize, all of them are almost working with me everywhere, so for me it was very important to give it a time only when I could.
and luckily they waited from 4 months now, and now they're bringing it back. So yes, I'm back on Mrs. Space. Thank you. Tune weight lose kiya na, dekh to sahi Kishan, leak kiya usne weight lose kiya.